कॉस्ट चालू रहता है और एंट्री वगैरह भी देनी पड़ती है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी है वो ब्रिज से नीचे निकलती है, ओनली फॉर ऊपर कार और फोर व्हीलर तक को एंट्री रहती है। बाकी जितनी भी फोर व्हीलर से ऊपर गाड़ियाँ हैं वो सारी ब्रिज से नीचे निकलती है और अलग अलग गाड़ी और अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग एंट्री का सिस्टम है। अभी अपन राजस्थान आज पता नहीं अपनी गाड़ी को भी क्या हो गया है, छोटी छोड़ी चढ़ाई के अंदर भी गाड़ी पिकअप तोड़ रही है और कहीं प्लेन जगह है तो वहाँ पर भी पहले जैसा पिकअप नहीं बना रही है। तो भी यहाँ से आगे जाके कहीं पे भी टाटा का टेलगो रहेगा, वर्कशॉप रहेगा, तो एक बार गाड़ी को भी चेक कराएंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी अपनी पहले जैसा पिकअप नहीं बना रही है। छोटी से छोटी चढ़ाई के अंदर भी गाड़ी जैसे फर्स्ट सेकेंड गियर के अंदर चढ़ रही है। और अभी अपन राजस्थान के अंदर एंटर करते ही डूंगरपुर ज़िले का आरटीओ मिल गया सामने। अपनी तो यहाँ पर कोई एंट्री लगने वाली नहीं, क्योंकि भाई अपनी जो भी कंपनी है अपनी कंपनी के अंदर नाम चलता है। उदयपुर गोल्डन का नाम ले लो, ऑटोमेटिक गाड़ी निकाल देंगे। बाकी जितने भी गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों की एंट्री लगती है। अभी आगे जाएंगे तो फिर आगे उदयपुर का आरटीओ मिलेगा, फिर आगे चित्तौड़ का आरटीओ मिलेगा। आरटीओ वाले का मतलब राजस्थान के अंदर आरटीओ वाले का थोड़ा मगजमारी।